नमस्कार, मैं कोमल स्वागत करती हूं आपका पंजाब केसरी डॉट कॉम में। अब वक्त हो गया है देश और दुनिया की तमाम 20 बड़ी खबरों का। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर, पीएम मोदी की आज मुख्यमंत्रियों संग बैठक। साल के अंत तक आ जाएगा बिना सुई वाला टीका। एंटीलिया केस की सुलझे की गुत्थी, एनआईए ने सचिन वाजे के दफ्तर की तलाशी ली, लैपटॉप आईपैड बरामद। दिल्ली वासियों के घरों में मेट्रो से होने वाला कंपन होगा बंद, डीएमआरसी कर रहा तैयारी। केंद्रीय बिल के खिलाफ आज सड़क पर उतरेंगे केजरीवाल, साथ में होगी पूरी कैबिनेट। गाजियाबाद दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर, दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी। चीन वापस जाने वालों को लगवाना होगा चीनी टीका, भारत में उपलब्ध नहीं। घोषणा पत्र जारी करने से पहले चुनावी वादे पर फंसी ममता बनर्जी। कोरोना 24 घंटे में 131 की मौत, 82% सिर्फ 7 राज्यों में। आज एफडीआई और बीमा कंपनी के निजीकरण के खिलाफ बीमा कर्मचारी करेंगे हड़ताल। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में नीट को समाप्त करने का किया वादा। महाराष्ट्र कर्नाटक से सीमा विवाद पर बोली शिवसेना, बेलगाम को केंद्र सरकार बनाए केंद्र शासित प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट, नए उपभोक्ता कानून से पहले दर्ज शिकायतों पर 1986 के कानून के तहत होगी सुनवाई। मुरादाबाद, अखिलेश यादव पर दर्ज मुकदमे की जांच शुरू, बयान के लिए मीडिया कर्मियों को नोटिस। हरियाणा में अब निजी स्कूलों में बिना स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट विद्यार्थियों के दाखिले पर रोक। कोरोना टीकाकरण, एक दिन में 30 लाख को मिला वैक्सीन, 15 दिन में 1 करोड़ बुजुर्गों ने ली पहली डोज। अब हेलीकॉप्टर से 4 धाम यात्रा कराने की तैयारी। चंडीगढ़ में बड़ा कोरोना, 148 पॉजिटिव मिले, 1 की मौत, वैक्सीन की 2 डोज लगवाने के बाद भी लैब प्रभारी संक्रमित। हल्द्वानी उप कारागार में वरिष्ठ जेल अधीक्षक के खिलाफ बंदी रक्षकों ने खोला मोर्चा। दिल्ली में कोरोना 5वीं बार, एक दिन में 400 से अधिक नए मामले आए सामने, 1 की मौत। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।